चलिए अगला सवाल देखते हैं। जेई मेन 2024 में 30 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा है। ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का है। कह रहा था डिस्प्लेसमेंट एंड द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल ऑफ टी टू टी प्लस वन। टी से टी प्लस वन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है और चेंज इन वेलोसिटी हुआ है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल्टा एस वह 125 और चेंज इन वेलोसिटी जो हुआ है वह है 50 मीटर पर सेकेंड। टाइम इंटरवल क्या लिया गया है? टी से टी प्लस वन। आपको क्या बताना है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द पार्टिकल इन टी प्लस 2th सेकेंड। टी प्लस 2th सेकेंड मतलब आपको डेल्टा एस बताना है क्या होगा टाइम टी प्लस वन से टी प्लस टू में। टी प्लस वन से टी प्लस टू में जो डिस्टेंस चला है वो टी प्लस 2th सेकेंड का डिस्टेंस होगा। जैसे आपने सुना होगा कि पांचवें ओवर में कितना रन बना, तो चौथे ओवर के बाद चौथा ओवर से लेके पांचवा ओवर तक जो रन बना है वो 5th ओवर का रन कहलाता है। तो वैसे ही टी प्लस वन से टी प्लस 2th सेकेंड में जो डिस्टेंस चला है या डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो टी प्लस 2th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है सर, अब इसमें करना क्या है? ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो टी प्लस 1th सेकेंड का है और ये चेंज इन वेलोसिटी भी टी प्लस 1th सेकेंड का दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक्सेलरेशन पता करने का, इस वाले टर्म से ये जो टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड में वी में जो चेंज आया है उससे अगर हम एक्सेलरेशन पता कर ले तो काम हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है। ये डेल्टा एस टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी होता है, या वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो कितना है? 50। एक्सेलरेशन क्या है? नहीं पता सर। टी टाइम इंटरवल लिखना है यहाँ पे, डेल्टा टी। टाइम इंटरवल टी से टी प्लस वन कितना होगा? टी टू माइनस टी वन लिखेंगे इसको, तो ये आ रहा है 1 सेकेंड, यानी ए की वैल्यू है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिल गया। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका एक फॉर्मूला होता है एस एन एथ का। वो क्या होता है? होता है यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। अगर आपको याद हो तो इस तरह का एक फॉर्मूला होता है। इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यू इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है। सर ये एक समस्या हो सकता है। एक्सेलरेशन तो गिवन है और ये टू एन की वैल्यू जो है टी प्लस टू रख देंगे ये भी पता है, पर इनिशियल वेलोसिटी कैसे मिलेगा? इनिशियल वेलोसिटी के लिए कोई रास्ता है? ये वाला रास्ता है। क्या दिया हुआ है? एस टी प्लस 1 सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो गिवन है हमें, है ना? उसके लिए आपको यू तो सेम रखना है, ए बाई टू और टू इंटू टी प्लस वन माइनस वन। ये वैल्यू है, ये 125 इज इक्वल टू यू प्लस ए की वैल्यू हम लोग ला चुके हैं 50। 50 बाई 2 हो गया 25। 2t प्लस 2 माइनस 1 तो प्लस वन हो गया। ठीक है सर, दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा? दूसरा इक्वेशन पे आते हैं। दूसरा ये वाला हमें चाहिए, इसको हम एस टी प्लस 2th सेकेंड का है तो एस टी प्लस 2th वाला लिखते हैं। इज इक्वल टू क्या होगा सर? ये होगा यू प्लस 25 टी प्लस 2 यानी 2 इंटू टी प्लस 2 माइनस 1।
यहाँ से मिलता है u प्लस 25 2t प्लस 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। और इसको क्या लिख सकते हैं, u प्लस 25 इंटू 2 कितना हो गया 50t माइनस प्लस 75 और इधर है s t प्लस 2, राइट ना। यहां आपको क्या मिल रहा है, u प्लस 50t प्लस 25 और इधर 125। इसे इक्वेशन 1 कह रहे हैं। इक्वेशन 1 पे ध्यान देंगे अगर आप, तो आपको एक अच्छा सा वैल्यू मिलेगा। किसके लिए, u प्लस 50t के लिए क्या मिलेगा, 25 को इधर लाके माइनस कर दीजिए 100 मिलेगा। इसकी वैल्यू जो है 100 मिलेगा इक्वेशन 1 से। वैल्यू पुट करते हैं, एस टी प्लस 2 इज इक्वल टू 100 प्लस 75 कितना हो रहा है 175 मीटर। यही हम लोग को बताना था। सही आंसर क्या होगा, 175। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्या क्या चीज़ें याद रखनी थी, nth सेकेंड में जो डिस्टेंस चलता है उसका एक फॉर्मूला होता है, एस nth इज इक्व टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। एक ये आपको पता होना चाहिए था। दूसरा कि जो चेंज इन वेलोसिटी दिया हुआ है टाइम इंटरवल 1 सेकेंड में, उससे आपको एक्सेलरेशन मिल गया है। u नहीं दिया है, पर उसके लिए t प्लस 1th सेकेंड का डिस्टेंस दिया हुआ है और t प्लस 2th सेकेंड का पूछा है। तो ये दो इक्वेशन लिख करके आपको देखना पड़ेगा पहले कि जो चीज़ें गिवन नहीं है उसको कैसे एलिमिनेट करना है। जैसे u नहीं गिवन है तो उसको एलिमिनेट करना, t नहीं गिवन है तो उसको एलिमिनेट करना। तो हमने एक साथ u प्लस 50t जो दोनों में कॉमन आ रहा था उसको एलिमिनेट कर दिया, आंसर हमारा यहाँ पे आसानी से मिल गया।